मैं एक ये सिलेक्शन ले रही हूँ। सेकंड में ये सिलेक्शन ले रही हूँ। तो देखिए वो एक सिलेक्शन दूसरे सिलेक्शन में खुद ब खुद मर्ज हो रही है। अगर मैं थर्ड सिलेक्शन लेती हूँ वो भी उसके साथ मर्ज हो गई है। तो ये सारी सिलेक्शंस आपस में एक दूसरे के साथ अपने एंगल से जुड़ती जा रही हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने जो सी ये वाली सिलेक्शन ली है ये डिलीट हो जाए। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शंस में कि मैं ये वाली सिलेक्शन यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ। तो वो देखिए वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे अब मैं ये वाली सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर चुकी हूँ, अब मैं चाहती हूँ ये वाली सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो वो जहाँ जहाँ पर आप इसको करवाएंगे वो सिलेक्शन सारी सब्ट्रैक्ट होती जाएगी। ओके उसके नेक्स्ट अब कंट्रोल प्लस जी से पता चल गया है कि कैसे अंडों में जाते हैं और फिर उसके बाद में हमने क्या करना है। इससे मजीद एक्शन को मूव पीछे जाने के लिए हमें कंट्रोल प्लस जी आर प्लस जी को दबाकर तो हम पीछे जा सकते हैं। यहाँ से ये असल में इस मार्कर टूल से हम पिक्सल्स की सिलेक्शन